सो हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से बच्चा सो रहे हैं फॉर प्राइज रिव्यू से। गाइस आई एम मेकिंग एंड गाइस आज मैंने बहुत अच्छी चीज की है। मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को बोला है कि मुझे रोस्ट करे एंड आज मैं उन पर रिएक्ट करने वाला हूं। लेट्स गो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबसे पहला रोस्ट आता है अल्ट्रा लेजेंड का। सो लेट्स सी भाई उनने क्या खतरनाक तबाही मचाई है। हेलो कॉल आलोक। हाँ मेरी जगह लेजेंडरी है, और कोई होता तो वो यही बोलता, लेकिन मैं हूँ इसलिए सोल आलोक बोल रहा हूँ। तो ज़रा मुझे बताना कि तुम मतलब इतने अच्छे ठीक ठाक दिखते हो, जिम में जाके बॉडी वॉडी भी बना रखी है। ये अभी तक तो ये बहुत बढ़िया चल रहा है, लाइक लिटरली मुझे कोई अभी तक रोस्ट नहीं दिखा है। मैं इतना बढ़िया आदमी हूँ भाई, यार मुझे कभी कभी समझ नहीं आता मैं इतना बढ़िया आदमी हूँ कैसे। बट देखते हैं भाई, अभी तक कुछ पता तो नहीं चला कि रोस्ट में है क्या, बट देखते हैं आगे देखते हैं यार। और मेरा गेम प्ले कितना खतरनाक है यार। तुम एकदम परफेक्ट एग्जांपल हो कि जो बंदा एकदम बहुत ही ज़्यादा हैंडसम दिखता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा कंटेंट भी बनाए। मारो मुझे। और सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगा, कौन था वो तुम्हारा इंग्लिश का टीचर जिसने तुम्हें इंग्लिश में पास करवा दिया यार? तो मैं 82% आया, तो ज़रा अपने इंग्लिश के मार्क्स भी थोड़े बहुत रिवील कर देना, क्योंकि ऐसा कौन सा बंदा होगा जो इतने मतलब पॉपुलर जाने वाले वीडियोस को मतलब वीडियोस के टाइटल में ड्यूएल की स्पेलिंग DEUL लिखता हो। मैं गरीब हूँ। ज़रा वीडियो अपलोड करने से पहले चेक तो कर लिया करो कि कहीं मैं गलती से कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ कुछ भी मतलब। तो भाई यहाँ पे मैं अब रहने दो भाई, मैं कैरी मिनाटी नहीं हूँ जो बहुत लंबा चौड़ा रोस्ट बनाऊ। यही नहीं, अभी और सुनिए। भाई साहब ओके, ये रोना नहीं चाहिए था मुझे इतने अजीब तरीके से। भाई क्या बढ़िया रोस्ट था एक्चुअली मुझे। ठीक है यार भाई, मैं बात तो सही बोली, मुझे लिटरली अपनी स्पेलिंग्स को देखना चाहिए। मैं पता नहीं कैसी, मैं कई बार ना स्पेलिंग गलत लिख देता हूँ। देखो मैं अच्छा पढ़ता हूँ, पढ़ता लिखता आदमी हूँ, बट कई बार मेरे को वीडियोस पता है बहुत जल्दी पब्लिक करनी पड़ती है। मेरा जो ऑटो करेक्ट भी है ना वो भी बहुत घटिया है। लाइक लेकिन मैं आलोक लिखता हूँ ना तो उसे चेंज करके पता नहीं एलो पता नहीं क्या क्या लिख देता, ऑटो करेक्ट एलो एल। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। एल्गोरिदम पता नहीं क्या क्या लिख देता है वो, आलोक को नहीं लिखता भाई लिटरली। ऐसा मेरा भाई साहब है ऑटो मतलब करेक्ट, तो भाई जी कभी कभी हो जाता है, मैं चेंज कर दूंगा, माफ़ कर दो यार, बट सही था। अब नेक्स्ट रोस्ट की तरफ चलते हैं जो कि है इंडिया वाले लोग भाई। और हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? पता नहीं यार लोग ने क्यों खुद को रोस्ट करवाने का सोचा है, क्योंकि इतना अच्छा बंदा और इतना स्वीट इंसान जिसकी आवाज़ भी बहुत प्यारी है, वो किसी को रोस्ट नहीं करता। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। लेकिन फिर भी आपने कहा है तो मैं ट्राई करता हूँ। तो गाइस ये जो बंदा है आलोक, ये मैं करीना का कंटेंट क्रिएटर है और ये लगभग 4 सालों से ये गेम खेल रहा है, लेकिन अफसोस इसे आज तक ये गेम ढंग से खेलना नहीं आता। सॉरी आलोक भाई, ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरे सब्सक्राइबर्स कहते हैं मुझे कमेंट करके। लेकिन चलो कोई बात नहीं, क्योंकि जहाँ फैंस होते हैं वहाँ हेटर्स तो होते ही हैं, ये बिल्कुल कॉमन बात है। तो गाइज़ मैंने भी ये गेम डाउनलोड करने से पहले आलोक की काफ़ी सारी वीडियोस देखी थी, और जब मैंने इस गेम को 3 दिनों तक खेला तो मुझे पता चला कि इस गेम में सारे अपोनेंट्स ज़्यादातर बॉट्स ही हैं, और ये जो बंदा है ये लिटरली बॉट्स के सामने रोता है, और तुम यकीन नहीं करोगे ये एक बॉट के सामने नहीं टिक पाता। तो साला ये दुख का ख़त्म नहीं होता बे। तो तब मुझे पता चला कि यार मेरे सब्सक्राइबर्स सच ही कहते थे। तो गाइज यही मैंने कुछ ट्राई किया इसे रोस्ट करने का, और आलोक भाई सॉरी, कोई भी बात पर्सनली मत लेना, ये सब मजाक में मैंने कहा है। थैंक यू मुझे आपके इस कंटेंट का हिस्सा बनाने के लिए। ओके मैं एक ही जरूर बोलूंगा भाई, स्टार्टिंग में जब इंडिया वाले ने स्टार्ट किया कि लाइक कितना अच्छा आदमी कितना ये, तो मुझे लगा मेरे बारे में बोल रहे थे, अल्ट्रा लेजेंड बोल रहे थे, बट भाई अचानक से जज्बात ही बदल दिए एंड मैं इतना मर क्यों रहा हूँ गेम में। तो हाँ ठीक है, उनने बात सही बोली कि हाँ भाई मैं बॉट से भाई डरता हूँ एक्चुअली। भाई कौन नहीं डरता, जेवर लिटरली तुम्हें 45 मिनट तक पहुँच कर रहे हैं सर्च, तो भाई दबा के स्पैमिंग मचा रखे। तो हाँ मैं बॉट से काफ़ी यार डरता हूँ, लेकिन मैं मारता भी हूँ उन्हें। एंड इंडिया वाले भैया ने यहाँ पे बोला कि उसने मैकिना को 3 दिन खेला। भाई 3 दिन में आप 200 से 300 स्क्वाड पावर पे नहीं जा पाते हो, और भाई अब
तीन दिन के अंदर भाई समझ लिया कि बॉट्स डेंजरस होते हैं। पता है गाइस, मैं तो मैं एक राज क्या बताता हूँ, मेरे जो बॉट्स आते हैं ना मेरे एनिमीज में, वो पता है एक्चुअली करीब बस ज़्यादा नहीं 9-10 हज़ार स्कोर पावर के होते हैं। मैं किसी को बताता नहीं हूँ यार, वरना यार तुम लोग कहोगे कि ओ भाई आलोक कितना अच्छा आदमी है, सारे डेंजरस बॉट अपने अपने को ही ले लेता है। यार तुम, मैं इतना अच्छा आदमी हूँ और मुझे खुद भी नहीं पता चलता, बट एक्चुअली मुझे इंडिया वाले का रोस्ट बहुत अच्छा लगा। लिजिटली भाई खतरनाक था यार, भाई खतरनाक था इंडिया वाले। मैंने लिजिटली उनको रोस्ट करना नहीं आता, उनने कभी किया नहीं था, बट उनने भाई बहुत तगड़ा ट्राई किया, सही था भाई, मुझे बड़ा मजा आया। एंड नेक्स्ट रोस्ट की तरफ चलते हैं जो कि है लेजेंड एलडी हैप्पी का, बट उस रोस्ट से पहले मुझे लगता है अपनी वॉइस को वो 200% बढ़ानी पड़ेगी बिकॉज एलडी हैप्पी ने बहुत लो वॉल्यूम में भेजा, तो लेट्स गो। आलोक बहुत ही सेल्फिश टाइप का पर्सन है, ओके दैट्स अमेजिंग, जो भी करता है वो अपने सेल्फिशनेस को देख के करता है कि उसे कुछ फायदा होने वाला है। ओके वो जब भी अपने दोस्तों के साथ खेलता है तो एक हर एक बैटल, ये तो सच्ची बात है। मुझे पर्सनली सो आलोक इतना पसंद नहीं है, पर मुझे उसके वीडियोस देखनी पड़ती है क्योंकि वो मेरा दोस्त है। सो आलोक जो भी व्लॉग्स की वीडियोस डालता है वो बहुत ही क्रिंज होती है, इसीलिए मैं खाने के टाइम उसे नहीं देखता। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। ओके गाइस, आई थिंक मुझे आज अपनी वीडियोस को कम क्रिंज बनाना पड़ेगा बिकॉज ओके एलडी हैप्पी ने बोल दिया भाई। लिजिटली एक तुमने समझ नहीं आया एलडी हैप्पी भाई तुम्हारा कौन सा रिकॉर्डर है वॉइस का भाई। लिजिटली मैंने अपनी वीडियो को 2 बार जाके पता है इसकी वॉल्यूम बढ़ाई है, लिजिटली 2 बार जाके ना 200 वॉल्यूम करके आया हूँ, बट स्टिल इतनी स्लो आ रही है। और पता है जब मैं इसे वापस एडिट करूँगा ना तीसरी बार की सारी वीडियोस को साथ में लाऊंगा फिर भी मैं इसे 200 करूँगा, बट देखना फिर भी इसकी कम आवाज़ आ रही है ना, हाथ धो गई है भाई। एलडी हैप्पी तुम्हें अपना माइक चेंज कराना पड़ेगा भाई, बहुत कम आवाज़ है, मुझे तो स्टार्टिंग में सुनाई भी नहीं दे रहा था जब मैं व्हाट्सएप पे सुन रहा था, मुझे लिजिटली फुल वॉल्यूम स्पीकर पे करके सुनना पड़ा। ओके अब इतना हो गया, तो भाई एक्चुअली मुझे नहीं पता था यार मैं क्रिंज वीडियोस बनाता हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम से गाइस कम क्रिंज बनाऊंगा, मैं पक्का वादा करता हूँ गाइस आज से मैं क्रिंज नहीं बनाऊंगा पक्का। अल्लाह माफ़ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया।